हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो देख लीजिए, आज के इस वीडियो में मैं ये वाली रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ। ये गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये स्ट्रीट फूड है और बहुत ही फेमस वाला स्ट्रीट फूड है। जिसको बनाने के लिए हमको चाहिए होंगे इस तरह के पटेटो। ये छोटे वाले जो पटेटोज आते हैं ना, जिससे हम दम आलू बनाते हैं, तो ये यही वाले पटेटो हैं। इनको मैंने बॉईल करके फिर उसको पील कर दिया है। और रेड चिली है, ये ड्राई रेड चिली, मैंने इसको 2 घंटे पहले पानी में इसको भिगो के रखा है। और इसके बाद हमको ये वाले फ्राइम्स भी चाहिए होंगे, जो लंबे वाले आते हैं। ये वाले फ्राइम्स हमको चाहिए, तो इसका भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली है। ग्रीन चिली है 4 से 5, अदरक है मैंने 3 टुकड़ों में कट किया है, 7 से 8 गार्लिक की कलियाँ हैं और जीरा है। और मैंने यहाँ पे एक टमाटो है जिसको मैंने कट कर लिया है। तो इसकी अब हम प्रोसेस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये सारे मसाले हैं, ये सारे मसाले को हम, जो हमने मिर्ची भिगो के रखी थी ड्राई रेड चिली, उसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से डाल देना है। अब हम ये सारे मिक्सचर की हम ग्रेवी बनाएंगे। उसको मिक्सी में क्रश कर लेंगे। और इसके अंदर जो हमने एक टमेटो कट करके रखा था, वो टमेटो भी इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। और जिस पानी में हमने मिर्ची भिगोई है, उसी पानी का हम इस्तेमाल करेंगे और उसकी पेस्ट रेडी करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी रेड चिली की सारी फ्रेग्रेंस उसमें आ जाती है वो पानी में। तो देख लीजिए, यहाँ पर अब ये ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल डाल रही हूँ। वैसे मैंने सब आपको बता दिया, लेकिन इस रेसिपी का नाम ही मैंने आपको नहीं बताया। इसका नाम है भूंगड़ा बटेटा। इसको गुजराती में बोलते हैं, हिंदी में मुझको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो अभी देख लीजिए, ऑयल में मैंने थोड़ी सी हींग डाली है। हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि ये पटेटो की रेसिपी है। तो अभी जो ग्रेवी हमने बना के रखी थी, वो ग्रेवी हम तुरंत इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल लेना है, थोड़ी सी हींग डालनी है, और उसके बाद हम जो ग्रेवी हमने तैयार की है, वो रेड ग्रेवी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट सारे मसाले करेंगे। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर इसमें डाला है। इसके बाद मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, लेकिन मैंने रेड चिली ऑलरेडी डाली है, तो ये वाला रेड चिली पाउडर जो है, वो कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये बिल्कुल तीखा भी नहीं है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इसके लिए मैंने रेड चिली पाउडर इसमें डाला है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर आप गर्म मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, या स्किप कर सकते हैं मेरी तरह। अब इसको अच्छे से हिला लेना है, और थोड़ा सा इसका जो वाटर है, वो हमें बर्न होने देना है। पानी थोड़ा सा हमें जलाना है, तब तक हम इसे गैस पे रखेंगे। तो देख लीजिए, इसका पानी थोड़ा सा बर्न हो गया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने बॉईल करके छोटे छोटे पटेटोज रखे थे, वो पटेटो अब इस स्टेज पे हमें इसके अंदर डाल देने हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। पटेटो को डालने के बाद भी हम 5 मिनट तक इसको गैस पे रखेंगे। और ये रेसिपी गुजरात की बहुत फेमस वाली रेसिपी है, और सबको पसंद आती है ये रेसिपी।
मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी से मैं एक है। और अगर आप गुजरात में काठियावाड़ साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये रेसिपी मिल जाएगी स्ट्रीट फूड पे। वैसे अहमदाबाद में भी ये रेसिपी मिलती है। यहाँ पे मैंने आधा लेमन निचोड़ दिया है। लेमन बहुत ज़रूरी है, लास्ट में इसमें लेमन ज़रूर डालिएगा। और मैंने इसमें धनिया डाल दिया है लास्ट में। अब इसको ज़्यादा देर तक हमें रखना नहीं है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। 5 to 10 मिनट तक सारी प्रोसेस होगी। 5 मिनट आगे हमें पानी थोड़ा सा बंद होना है, तब तक 5 मिनट तक गैस भी रखना है। उसके बाद पटेटो डालने के बाद हमें 5 मिनट रखना है, तो 10 मिनट जितना है। अब ये हमारी पटेटो वाली रेसिपी हो गई है। अब हम फ्राइम्स को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब देखिए ये वाले फ्राइम्स मैंने लिए हैं, मुझे इसका भी पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन गुजराती में इसको ही भूंगरा बोलते हैं। तो ये भूंगरा बटेटा की रेसिपी गुजराती है, प्रॉपर गुजराती रेसिपी है। मुझे नहीं पता गुजरात के बाहर अगर कहीं भी अगर ये मिलती है तो, लेकिन ये बहुत ही यम्मी लगती है। थोड़ी सी स्पाइसी होती है, थोड़ी खट्टी होती है और बहुत ही यम्मी रेसिपी है। देखते ही मुँह में पानी आ जाए, इतनी अच्छी रेसिपी है। और अहमदाबाद में भी कहीं कई जगह पे मिलती है ये रेसिपी। मैंने अहमदाबाद में बहुत खाई है तो मुझे पता है अहमदाबाद का, तो बहुत सारी जगह पे ये मिलती है। इसको फ्राई कर लेना है और इसको खाना है उस पटेटो के साथ। और गुजराती में इसका प्रॉपर नाम है भूंगरा बटेका, जैसा मैंने आपको पहले बोला। इस तरह से हमें सारे फ्राइम्स को फ्राई कर लेना है। तो ये रेडी है पटेटो, मैंने बाउल में निकाल दिया है सर्व करने के लिए। स्पाइसी पटेटो है, बहुत स्पाइसी नहीं है। रेड चिली मैंने ज़्यादा ली है लेकिन वो इतनी स्पाइसी नहीं थी, तो ये नॉर्मली खा सकते हैं। ये बहुत स्पाइसी नहीं रहेगा खाने में, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। लहसुन का, अदरक का, सबका स्वाद आता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा तीखा। और इस फ्रेम के साथ अगर ये आपने एक बार खा लिया ना, तो कसम से आप इसको बनाएंगे बार बार। बहुत ही यम्मी वाली रेसिपी है और मेरी सबसे फेवरेट रेसिपी में से ये एक है, स्पाइसी भूंगरा बटेटा। तो देख लीजिए ये रेडी है खाने के लिए। देखिए मैं अब आप इसको खा के भी बताती हूँ। इस तरह से फ्राइम्स लेना है, इसका जो हॉल है उसके अंदर इस तरह से पटेटो के ऊपर हमें प्रेस करना है। आधा पटेटो अंदर आ जाएगा और ये स्पाइसी वाला मसाला आ जाएगा और इसको खाना है। मुँह में पानी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला। ये मेरा फेवरेट फूड है, गुजराती स्ट्रीट फूड है ये। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए आपको मेरी ये गुजराती स्ट्रीट फूड रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है, मेरी रेसिपीज़, मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स और मेरी ब्यूटी टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। सी या, मिलते हैं एक नई रेसिपी या फिर कोई ब्यूटी टिप्स के साथ। सी या।